नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में, अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है, उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी सही और सटीक देंगे, विस्तार से देंगे, जिससे आपको बात भी समझ में आए और जानकारी भी आपको सही मिले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सच को सच कहा जाता है, झूठ को झूठ कहा जाता है, न पक्ष न विपक्ष बल्कि निष्पक्ष कहा जाता है। तो मेरा काम रहता है कि जो भी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ सबसे सही और सबसे सटीक पहुँचाऊँ, आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जो निकला है उसका निचोड़ बताऊँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। जो एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया वह शिक्षकों कर्मचारियों के लिए किया गया है। जो शिक्षक हैं वह गाँव जाकर भूसा भरेंगे, यह भी एक निर्देश है, गाँव जाकर भूसा एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, भरेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं उन्हें गांव-गांव जाकर भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा, भूसा भरना पड़ेगा। अगली अपडेट है रेलवे को लेकर। यह खबर पुरानी है लेकिन आपके लिए ऑथेंटिक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक से दो दिन की खबर है। रेलवे में 72,000 से अधिक पद खत्म कर दिए गए हैं। भारतीय रेलवे में बीते 6 साल में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के 72,000 से अधिक पद समाप्त यानी सरेंडर किए जा चुके हैं, जबकि इस अवधि में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को 81,000 पद और समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है, यानी कि पद को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। क्योंकि रेलवे का जब निजीकरण हो गया है तो कंपनी किस आधार पर इसे चलाएगी, जिसने लिया हुआ किस आधार पर चलाएगा उसके ऊपर निर्भर करता है, इस पर सरकार का कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो धीरे धीरे करके पद को समाप्त किया जा रहा है, और जिन्हें नौकरी मिल चुकी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिली है, नौकरी की उम्मीद रेलवे में कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आगे भविष्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने की तैयारी चल रही है, पदों की संख्या कम होने का कारण आउटसोर्सिंग है। तो लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, यह बदलाव कितना अच्छा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली अपडेट है बीएड को लेकर। बिना विलंब शुल्क के कल तक जमा होंगे आवेदन, विलंब शुल्क के साथ 20 मई तक जमा किए जाएंगे आवेदन। सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालयों को अब तक 5,36,000 आवेदन मिल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 20 मई तक 1,00,000 से अधिक आवेदन और पहुँचेंगे, लगभग 6,20,000 के करीब आवेदन हो सकते हैं। अगली खबर समूह गा के कर्मियों को लेकर है, जो कि बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें समूह गा के कर्मियों का हर 3 साल पर अनिवार्य रूप से बदलेगा पटल, जिसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि समूह गा के कर्मियों का पटल परिवर्तन और क्षेत्र में तैनात कर्मियों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालय अध्यक्ष या देखेंगे कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन हो। संवेदनशील व लोक व्यवहार के पदों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाए, या भी सुनिश्चित किया जाए कि पटल परिवर्तन के बाद कर्मचारी अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से संबंध होकर वहीं काम न करता रहे, यानी कि 3 वर्ष से ज़्यादा एक ही क्षेत्र में काम नहीं होना चाहिए, ये तहसील में काम नहीं होना चाहिए, एक ब्लॉक में काम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लेखपाल हैं तो 3 साल के बाद तबादला होना चाहिए, और अगर आप ग्राम विकास अधिकारी हैं तब भी 3 साल में आपका तबादला होना चाहिए। तो उसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है राशन कार्ड धारकों के लिए। आपात राशन कार्ड धारकों से हो सकती है वसूली। वसूली क्या होगी? राशन की, जो फ्री राशन का मौज आप लोग लिए हैं अपात्र होते हुए, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है किसे राशन मिल सकता है फ्री, किसे राशन नहीं मिल सकता है, किसका कार्ड बन सकता है, किसका नहीं बन सकता है। उसके बावजूद अगर आप फ्री राशन का मौज लिए हैं तो आपके लिए अब संकट की घड़ी आने वाली है। यदि आप अपात्र हैं तो राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, सत्यापन शुरू, डीएम जारी कर रहे हैं चेतावनी, बाजार भाव के हिसाब से होगी वसूली। अगर आप अपात्र पाए जाते हैं, राशन को सरेंडर नहीं करते हैं, तो जो बाज़ार का भाव है, जैसे 24 रुपये किलो गेहूँ, 32 रुपये किलो चावल, और मार्केट में जो रिफाइंड तेल का दाम है, जो चने का दाम है, उस हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी। तो सोचिए
कि आपकी क्या स्थिति होगी, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 5 किलो राशन अगर आप पा रहे थे तो आपको यह देखना चाहिए था, आपको यह सोचना चाहिए था कि हम पात्र हैं या अपात्र हैं। अगली खबर यूपी ट्रिपल एस सी की है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उन परीक्षाओं को किसी भी समय करा सकता है जिसमें पदों की संख्या कम होगी। आज नहीं, कई महीने पहले बताया गया था, जब कैलेंडर जारी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी व शोध अधिकारी, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में रोड रोलर चालक और नक्शा नवीस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इन सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा 22 मई को आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा तय समय पर होगी, इसमें कोई परिवर्तन होने के संकेत नहीं है, समय अनुसार आपको सूचित किया जाएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी व शोध अधिकारी पद के लिए 2 घंटे की लिखित परीक्षा अपहरण 3 बजे शुरू होकर 5 बजे समाप्त होगी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में रोड रोलर और चालक नक्शा नवीस के पदों पर भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:30 पर समाप्त होगी। लिखित परीक्षा के संबंध में अगर आपको कोई अधिकारी नोटिस चाहिए तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन भर्तियों को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, आपके जहन में सवाल है। तो भैया, परीक्षा होने के 60 से 90 दिनों के भीतर परिणाम घोषित होगा, यानी कि 100 दिनों के भीतर परिणाम घोषित होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि यह भर्ती समथिंग नवंबर दिसंबर पार हो सकती है, यानी कि 2023 भी जा सकती है। अगली अपडेट है सिंचाई को लेकर। सिंचाई के लिए किसानों को मिल सकती है मुफ्त बिजली की सौगात। यूपी का बजट भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र की घोषणा पर अमल की तैयारी। अगली अपडेट है एपीओ भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एपीओ की परीक्षा 10 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2022 के 44 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि शुक्रवार को घोषित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 10 जुलाई को प्रयागराज एवं लखनऊ में होगी। अगली अपडेट है 4500 विद्यालयों में होगी कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य। और मैं आपको बता दूं, शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्रस्ताव मांगा है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 11 मई को पत्र लिखकर तय प्रारूप पर 1 सप्ताह में सूचना मांगी है। शिक्षकों की नियुक्ति की भी कवायद चल रही है। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने के लिए सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की भी तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के पर सृजन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा को प्रस्ताव भेजा, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है, और उधर से जवाब मांगा गया है। देखना होगा कि कब तक जवाब आता है। वैसे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, मेरी जानकारी के अनुसार आपको 3 से 4 महीनों के अंदर यह भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है पंचायत सहायक भर्ती को लेकर। इसमें वेतन 6000 रुपये है, आउटसोर्सिंग की भर्ती है। पंचायत सहायकों के रिक्त 2783 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा आजमगढ़ में 87, बिजनौर में 84, बहराइच व संत कबीर नगर में क्रमशः 78, अलीगढ़ में 60, अम्बेडकर में 56 और बुलंदशहर में 76, लखनऊ में 32 पद रिक्त हैं। वेबसाइट पर अन्य जिलों की रिक्तियों का ब्यौरा भी जिले और ग्राम पंचायतवार उपलब्ध है। वेबसाइट पर आवेदन का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया, तो आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर इस नोटिस को देख सकते हैं, आवेदन मांगा गया है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था, अगर राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको अभ्यर्थी प्रतियोगी छात्र प्रशिक्षु कोर्ट में लगा देते हैं तो पक्ष में फैसला आ सकता है और बड़ा उलझन देखने को मिल सकता है। जो बताया गया वही हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मैटर है। राजस्थान के बारे में इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको जानकारी दी गई बीएड और बीएसटीसी के बारे में। प्राथमिक स्तर की टीईटी 2021 प्रमाण पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक एक अदर सरकारी नौकरी पाने की लड़ाई का परिणाम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक
स्तर कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य कर दिया था, जिसके बाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हजारों बीएड डिग्री धारक शिक्षक पद पर चयनित हो गए। उसी के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड या पूर्व में बीटीसी करने वाले बेरोजगारों में असंतोष था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बीएड डिग्री धारक बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 12 लाख और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 6 से 7 लाख के आसपास बताई जा रही है। डीएलएड प्रशिक्षुओं का तर्क है कि बीएड का कोर्स माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किया गया है, चूंकि पहले उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बीएड डिग्री धारकों को 1 जनवरी 2012 तक प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए एक छूट दी गई थी, जिसका आपको संज्ञान में होगा कि 72,825 शिक्षक भर्ती के विवाद के कारण समय सीीमा बीतने पर बीएड वालों को 31 मार्च 2014 तक नियुक्ति में छूट बढ़ानी पड़ी थी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ उसी के संबंध में, जो रोक लगाई गई है टीटी प्रमाण पत्र जारी करने पर, वह राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके अनुरूप लगाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर चुका है अधिसूचना, पहले भी आपको मालूम होगा राजस्थान के बारे में, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होने वाली है और उसी तथ्य के आधार पर, उसी आदेश के आधार पर ऐसा किया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है, ऑथेंटिक होती है। एक महत्वपूर्ण खबर दे दूँ UPSI को लेकर, जैसा कि कल मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, अभी भी स्वास्थ्य सही नहीं है। UPSI में जमकर धांधली हुई है, प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया था, कल 57 लोग पकड़े गए। आप बताइए, कभी 8, कभी 57, कभी 12, कभी 20, कभी 15 पकड़े जा रहे हैं, कभी 18 पकड़े जा रहे हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर धांधली करने का प्रयास किया गया है। धांधली हो भी चुकी है, कितने पैमाने पर हुई इसकी जाँच होनी चाहिए। पैमाना क्या है, बड़े पैमाने पर हुआ है कि स्तर उसका छोटा है कि 200 हैं 400 हैं, इसकी जब तक जांच नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, इतना मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।